वेलकम टू शिक्षक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इसको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम एक एक करके स्टेप्स लिखेंगे कि इसको 5:8 रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 बन रहा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है स्केल की हेल्प से, जिसको हम क्या नेम दे देंगे, BC, और उसकी लेंथ कितनी बनाएंगे, 7.6 सेंटीमीटर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि हम स्केल की हेल्प से ये 7.6 लाइन कैसे बना देंगे। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा कि हमें BC से एक्यूट एंगल पे एक लाइन बनानी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि इस लाइन को आप कहां पे बना सकते हैं, और ये जो एंगल आ रहा है इस लाइन का BC के साथ, वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। बट एक्यूट एंगल तो 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू 20 ले सकते हो या 30 ले सकते हो। याद रखना है कि अगर इसको 60 के आसपास अप्रोक्सीमेटली लोगे तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। सो स्टेप 3 में हम अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कट्स लगाएंगे। तो कितने कट लगाएंगे इस एक्यूट एंगल वाली लाइन के ऊपर, तो देखिए हमें रेशियो कितना बनाना था, 5:8 रेशियो बनाना था। तो 5 में अगर 8 प्लस करो 13 आ रहा है, तो हम इस लाइन के ऊपर 13 कट्स लगाएंगे। तो आप अपने कंपास को कुछ वैल्यू खोल लें, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं। एक बार जितना कंपास को खोल लिया उतने क्या कर दीजिए, मतलब कि बी के ऊपर रख के नीचे कट लगाइए, देन उस फर्स्ट कट से आगे सेकंड कट लगाइए, ऐसे सेकंड से आगे थर्ड, थर्ड से आगे फोर्थ, ऐसे कहां तक कट लगाते जाइए, 13 तक कट लगाते जाइए। बट अगर आपकी एक्यूट एंगल वाली लाइन नीचे खत्म हो गई है तो आप उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, सो दैट आपके 13 कट्स पूरे आ जाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट कट आएगा उसको हम B1 नेम दे देंगे, अगले कट को B2 दे देंगे, ऐसे हम आगे आगे नेम देते जाएंगे, और आखिरी वाला जो कट आएगा उसको हम B13 नेम दे देंगे। अब ये जो 13 वाला कट है, दैट इज जो B13 है, उसको C के साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब हमारी ये B13 से C एक क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एंगल B13 पे आ रहा है, वही एंगल हम कहां पे कॉपी करेंगे, B5 पे कॉपी करेंगे। B5 पे इसलिए कॉपी करेंगे क्योंकि हमारा रेशियो क्या बनाना था, हमने 5:8 रेशियो बनाना था। अब एंगल को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल कहां पे बना देंगे, B13 पे बना देंगे। सेम वैसा ही सेमी सर्कल कहां पे बना देंगे, B5 पे बना देंगे। अब ये जो B13 पे सेमी सर्कल बन रहा है, ये हमारी एक्यूट एंगल वाली लाइन को जहां पे टच कर रहा है वहां पे अपनी कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखिए, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको B13C लाइन पे टच कर दीजिए। अब इतनी ही कंपास को उठा के कहां पे रख दें, B5 पे रख दें, पॉइंटेड पार्ट कहां पे आ जाएगा, B5 पे आ जाएगा। और ये जो पेंसिल वाला पार्ट जहां पे हमारे सेमी सर्कल को कट कर रहा है वहां पे एक कट लगा दीजिए। अब इस कट को क्या कीजिए, नीचे B5 के साथ एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन ऊपर हमारी BC लाइन को जहां पे जाके कट कर रही है वो हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, C' आ जाएगा। सो हमारी ये जो BC लाइन थी ये C' पॉइंट पे क्या होगी, 5:8 रेशियो में डिवाइड हो चुकी है। तो अब हम इसकी समरी करेंगे। तो स्टेप 1 हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया था, उसके बाद B पॉइंट से एक एक्यूट एंगल पे लाइन बनाई थी नीचे की तरफ, देन उसको टोटल 13 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 13 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि हमें रेशियो कितना गिवन था, 5:8, और अगर 5 में 8 प्लस करो तो आंसर 13 आता है। उसके बाद हमने क्या किया था, जो 13 पे एंगल आ रहा है वही हमने कहां पे कॉपी किया था, 5 पे कॉपी किया था। उसके बाद जब हमने उस लाइन को ऊपर की तरफ मेन लाइन से ज्वाइन कर दिया था तो हमारी मेन लाइन 5:8 रेशियो में डिवाइड हो गई थी। और ये जो हमारी B5C' एंड B13C लाइन आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाती हैं, हमेशा पैरल आती हैं। पैरल इसलिए आती हैं क्योंकि हमने नीचे जो एंगल्स बनाए थे वो जो कॉपी किया था, वो कॉपी एंगल क्या होता है, सेम एंगल कॉपी होता है, तो इसलिए ये लाइंस क्या बन जाती हैं, हमारे पास पैरल बन जाती हैं।
तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है, बट इसकी जस्टिफिकेशन भी कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन भी पूछ रहे हैं तो हम जस्टिफिकेशन बीपीटी थ्योरम की हेल्प से करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम आपने ट्रायंगल चैप्टर में की थी, तो ट्रायंगल चैप्टर में हमारे पास जो पेज नंबर 124 है वहां पे जो थ्योरम नंबर 6.1 दी है उसकी हेल्प से हम अभी इसको जस्टिफाई करेंगे। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल आपका यहाँ पे बन रहा है इसी को सीधा करके अपनी कॉपी पे बना देंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि कौन से ट्रायंगल की हम बात करें, यही हमने क्या किया, सीधा करके अपनी कॉपी पे बना दिया। अब इस ट्रायंगल में B5 एंड C' जो लाइन आ रही है ये B13C से क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। अगर किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ओके, तो उसमें हमारी जो साइड्स का रेशियो आता है वो सेम आता है। अब अपने ट्रायंगल की लेफ्ट वाली साइड का देखिए, हमें रेशियो इसका पता है, ये कौन से रेशियो में डिवाइड हो रही है, 5:8 रेशियो में डिवाइड हो रही है। सो हमारी BC' एंड C' उसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। सो यही हमारी जस्टिफिकेशन थी इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर चाहिए तो हमने उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वी होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।